हे एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ मिलती है आपको सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। फ्रेंड्स, डीआरडीओ एमटीएस 2020 के लिए ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपने मिस कर दिया तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट पेपर देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। आपको बता दें, डीआरडीओ एमटीएस 2020 के लिए क्लास डेली शाम को 7 बजे चलती है। तो अगर आप नए हैं तो एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जा सकता है? चार ऑप्शन आपके पास, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टान आलेख, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य को किन नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो निम्न में से किन नामों से उन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त, ठीक है। और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, महानदी, शरावती नदी या फिर गोदावरी नदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो कुल संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन है, और इसका फ्रेंड राइट आंसर दीजिए, और राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होगा, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गारो खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है, ठीक है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी घाट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जवाब दीजिए फ्रेंड्स, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ और लॉन टेनिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, ठीक है। थर्ड आई मतलब थर्ड एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें आप, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए, इसे सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा निकोबार द्वीप में, ठीक है। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए फ्रेंड्स, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रधान देशांतर पर, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? चलिए चार ऑप्शन, बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या फिर चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास, और फ्रेंड्स उससे पहले बता दे, अभी वर्तमान में कौन है? वो है ओम बिरला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीबी मावलंकर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं थे? चार ऑप्शन है आपके पास, सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार या फिर सम्यक अहिंसा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये त्रिरत्न में से नहीं थे, बाकी तीनों त्रिरत्न में से थे, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे महावीर जैन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं डीआरडीओ एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर। उसके साथ साथ अगर आप एसएससी एंड रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी पेपर अवेलेबल है, ठीक है। आप कॉमेंट में जरूर बताएं आपको किस एग्जाम का स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, हम लोग आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? यानी पूछा जा रहा है किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है, लिखित संविधान। चार ऑप्शन में आपके पास, चीन, अमेरिका, जापान या फिर भारत।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, इसे पढ़िए और इसे जवाब दीजिए। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास और इसे आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1969 ईस्वी में, या फिर मार्च, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1932, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त 1893, या फिर डी फरवरी 1952। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1969 में भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, तो ये किस ग्रह का उपग्रह है फ्रेंड्स? चार ऑप्शन आपके पास और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोसांग का उत्सव जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत में, या फिर केरल में, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर ताइवान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 7, कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देखिए और इसका जवाब दीजिए। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता में ये पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। चलिए फ्रेंड्स, तो ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और आपके लिए आज का सवाल है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल का किसे दिया गया है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ DRDO की क्लास डेली रात को 7 बजे चलती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।